जय हिंद साथियों, वंशिका आल जाब हिंदी चैनल में स्वागत है। साथियों, जिसका आप लोग का इंतज़ार था वो वैकेंसी आ गई है, जो कि आप लोग को अग्निवीर के लिए बारे में बता दिया गया था कि अग्निवीर की वैकेंसी जल्दी ही आने वाली है, ऑनलाइन स्टार्ट होने वाली है। तो साथियों, इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि ऑनलाइन कब से स्टार्ट है, और साथियों क्या एज मांगा गया है, और साथियों क्या सैलरी रहेगी। तो साथियों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा, नहीं तो आप लोग को समझ नहीं आएगा। तो साथियों बताने जा रहा हूँ, साथियों ज्वाइन इंडियन एयर फोर्स, जो कि एयर फोर्स अग्निपथ अग्निवीर सेम रिक्वायरमेंट 2022 में आई हुई है। तो साथियों इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो साथियों पहले तो बता दें, एप्लीकेशन फ़ीस जो रखा गया है वो जनरल ओबीसी कैंडिडेट का 250 रुपया है, और साथियों एसी एसटी कैंडिडेट का भी 250 रुपया है। किसी को कोई भी छूट नहीं दिया है, चाहे कोई भी कैटेगरी में हो। जनरल ओबीसी का भी 250 रुपया है और एसी एसटी कैंडिडेट का भी 250 रुपया है। और साथियों आप लोग का ऑनलाइन स्टार्ट जो है 24 जून 2022 से स्टार्ट हो जाएगा। तो साथियों ऑनलाइन जो है 24 जून से आप लोग का स्टार्ट हो गया है। रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट जो रहेगा, ऑनलाइन का जो लास्ट डेट रहेगा साथियों, 5 जुलाई 2022, यानी 5 जुलाई को ही लास्ट रहेगा। तो आप लोग कोशिश करके पहले ही ऑनलाइन करा दीजिए। और साथियों बताना चाहता हूँ, आप लोग का रिटेन एग्ज़ाम यानी जो अग्निपथ का जो वैकेंसी निकला है एयरफोर्स में, उसका जो एग्ज़ाम डेट है 24 जुलाई 2022 को होगा। देखिए साथियों, बहुत तेज़ी से प्रक्रिया हो रहा है। तो साथियों इसका एग्ज़ाम डेट जो है 24 जुलाई 2022 को है। एग्ज़ाम देने के बाद साथियों सिलेक्शन लिस्ट जो है 1 दिसंबर 2022 को निकल जाएगा। उसके बाद साथियों इनरोलमेंट लिस्ट जो है 11 दिसंबर 2022 को आप लोग का निकल जाएगा। और साथियों बताना चाहता हूँ, एज लिमिट यानी एज आप लोग का क्या मांगा गया है। तो साथियों पहले जो एज मांगा गया था, तो एज में बदलाव किया गया है, 2 साल बढ़ा दिया गया है। हमारे साथियों जो बहुत धरना प्रदर्शन किए थे, इस कारण एज बढ़ाया गया, कुछ शासन पर प्रभाव पड़ा। तो साथियों मिनिमम एज 17.5 से लेकर मैक्सिमम एज 23 वर्ष के कैंडिडेट एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, यानी एयरफोर्स अग्निपथ अग्निवीर में शामिल होकर देश सेवा कर सकते हैं। और साथियों बताना चाहता हूँ, और साथियों ऑनलाइन तो 24 से स्टार्ट हो गया है, लेकिन वैकेंसी कितना है एक अभी क्लियर नहीं हुआ है, यानी एयरफोर्स में जो वैकेंसी है वो अभी क्लियर नहीं हुआ है। क्लियर जैसे हो जाएगा हम तुरंत वीडियो डालेंगे। और साथियों आप लोग का जो पोस्ट नेम रहेगा, इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर इनटेक, जो कि 1/2022 से आप लोग का ये है। और साथियों बता दें, एडुकेशन जो है एलिजिबिलिटी जो यानी जो आप लोग का योग्यता मांगा गया है, आप लोग को बता दें 12वीं पास होना अनिवार्य है। 12वीं में आप लोग का मैथ फिजिक्स एंड इंग्लिश आप लोग का होना अनिवार्य है। साथियों मैथ फिजिक्स एंड इंग्लिश, और साथियों वित्त सात में 50% यानी 50% मार्क भी होना अनिवार्य है, एंड 50% मार्क जो है इन इंग्लिश में भी रहना चाहिए साथियों। और साथियों बता दें, जिनके पास अगर 12वीं में मैथ फिजिक्स इंग्लिश नहीं है, अगर 3 वर्ष 3 वर्ष का डिप्लोमा है और इंजीनियर कंप्यूटर साइंस जो भी है, वो साथी भी अप्लाई कर सकते हैं। और साथियों बता दें, जो आप लोग का अदर सब्जेक्ट जो मांगा गया है 12वीं पास
यानी 50% मार्क होना चाहिए, 50% मार्क होना चाहिए। उसके बाद साथियों एग्रीगेट एंड 50% मार्क जो है इंग्लिश में होना चाहिए। और साथियों बता दें आप लोग का जो हाइट मांगा गया है, हाइट जो आप लोग का होगा 52.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। चेस्ट जो है साथियों 5 सेंटीमीटर फुलाव होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर फुलाव होना चाहिए। और साथियों बता दें आप लोग का मंथली एक साल में कितना सैलरी मिलेगा, तो साथियों फर्स्ट साल में जो चलेगा, तो फर्स्ट साल में आप लोग का जो मंथली सैलरी होगा 30,000 रहेगा। और साथियों इन हैंड यानी आपको मिलेगा 21,000, 30% फंड कट जाएगा। तो फंड आपका फर्स्ट साल में 9,000 साथियों कट जाएगा। सेकेंड वर्ष में आपका जो मंथली सैलरी होगा साथियों 33,000 होगा। और साथियों इन हैंड जो मिलेगा 23,100 रुपया मिलेगा। आप लोग का 30% जो साथियों फंड कटेगा उसमें 9,900 आप लोग का फंड कट जाएगा। थर्ड यानी तीसरा साल में साथियों आप लोग को 36,500 मंथली मिलेगा। इन एंड साथियों 25,580 रुपया मिलेगा। आपका 30% साथियों फंड कट जाएगा 10,950 रुपया। फोर्थ साल में साथियों आप लोग को मंथली 40,000 मिलेगा, इसमें से इन एंड 28,000 मिलेगा। और साथियों 30% फंड जो आप लोग का कट जाएगा यानी 12,000 कट जाएगा। तो साथियों ये था आप लोग का सैलरी पैकेज। तो साथियों ऑनलाइन स्टार्ट हो गया है, आप लोग ऑनलाइन स्टार्ट करिए और आप लोग देश का सेवा करिए। साथियों जो भी मौका मिला है उसमें आप लोग फ़ायदा उठाइए और देश का सेवा करिए। साथियों दंगा फसाद मत करिए, उससे आप लोग भर्ती नहीं हो पाएंगे, आप ही लोग का नुकसान होगा। आप लोग को जो मौका मिला है साथियों उसका फ़ायदा उठाओ, आप लोग भर्ती होके और देश का सेवा करें। और साथियों जैसे ही कोई अपडेट आता है, भर्ती आता है, जल्द ही आप लोग को इस चैनल के माध्यम से बता देंगे। तो वंशिका आलजाब हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन पर क्लिक करिए ताकि आने वाला जो भी वैकेंसी हो इस चैनल के माध्यम से पता चले। धन्यवाद साथियों।